इंडस्ट्री में सबको किस कर लिया, आमिर खान सर को छोड़ के। आमिर खान ने कल परसों खूब तारीफ, हाँ शो की ना इतनी ज्यादा, हाँ अरे शो है ही एक्चुअली, नो डाउट अबाउट इट। वो ऐसा प्लेटफॉर्म, बहुत फॉर्चुनेट नसीबदार था मैं कि मुझे ये, मैं इस शो का हिस्सा रहा हूँ। एंड ऐसा शो वापस, ऐसी टीम, ऐसे टैलेंट नहीं आएगी। बच्चन साहब को भी किया था, बच्चन साहब ने मुझे किस किया था कब, जब वो भूतनाथ के लिए आए थे तो उस वक्त इतना वो चल रहा था कि नहीं नहीं यहाँ ही पे हमारे सेट पे ही, जब ही कॉमेडी नाइट विद कपिल कलर्स पे थे तभी, तो इतना वो सारा चल रहा था कि डूज एंड डोंट्स, तो जितने डोंट्स थे उसमें सब दादी के लिए थे, तो ये था कि तो दादी आएगी ही नहीं बिल्कुल, तो टीम ने ये रखा कि लास्ट में दादी को लाते कि इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो लास्ट में है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकेंगे, ऐसे करेंगे। पर बच्चन साहब द ग्रेट, अभी वो टू टायर्ड, मुझे सच्ची उसका फुल फॉर्म नहीं पता अभी, ध्यान में मैं फिर आपको बताऊंगा, सॉरी। वो उसमें भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो एडुकेशन को लेकर के है, कोचिंग क्लासेस के अंदर क्या क्या होता है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। ये भांजा है जिसका कोचिंग क्लासेस है, जिसका कोचिंग क्लास है उसका ये भांजा है जो उसका बिजनेस देखता है, और ये शहर से आया हुआ है। सीरियस है कैरेक्टर, सीरियस ही है लेकिन बहुत सटल तरीके से उसको हैंडल किया हुआ है। पताल पानी में सीरियस है कि कॉमेडी है, ग्रे है? नहीं, वो थोड़ा सा फनी है, पर वो मुद्दा ही फनी है, सटायर है बेसिकली, वो थोड़ा सा उसके ऊपर है। कॉमेडी से निकलने के लिए, इमेज को तोड़ने के लिए, मैं एक्चुअली कॉमेडी का जो इमेज है वो तोड़ना चाहता हूँ। मुझे ये कोई और है नहीं, आपका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, आप मैम शक्ल किसी और पे नहीं लगा सकते, मतलब वो दादी को कोई भूल नहीं पाएगा आपकी किसी को कोई, और ये तूने बड़ी दुखती रख पे ना हाथ रखी, इनको वो नहीं चाहिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं कॉमेडी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ऐसे कुछ कॉमेडी का कोई, वो टिपिकल वही हो जाएगा सर, मैं फिर वही कपड़ा वही, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस प्लेटफॉर्म पे जो कॉमेडी हम करते थे, उस प्लेटफॉर्म पे जो कैरेक्टर्स मैंने किए, अब उसका फुल स्टॉप है, उसके आगे अनलेस एंड अनटिल वो री इन्वेंट नहीं किया जाएगा राइटिंग में, तो उसमें मज़ा नहीं है। आजकल क्या हो रहा है सर कि वो फर्स्ट डे की एक राइटिंग होती है, ये करो, उसके बाद वही होता है जो पहले चल रहा था, बाकी तो आप कर लोगे। उसमें अकेले का कैरेक्टर डेवलप मैंने किया वाला मामला नहीं होता है, ये पूरी टीम होती है, उसको पूरी टीम, आप उसके न्यूएंसेस होते हैं, जैसे दादी के कैरेक्टर की वजह थी, पोता चाहिए था, बुड्ढी थी, ये थी, अच्छा वो बुड्ढी, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो एक एज के कैरेक्टर का जितना रस था वो निकल चुका है, अब उसमें और कोई स्कोप नहीं बचा है, निचोड़ नहीं है। आपने इंडस्ट्री में सबको किस कर लिया, आमिर खान सर को छोड़ के। आमिर खान ने कल परसों खूब तारीफ, हाँ शो की ना इतनी ज्यादा, हाँ अरे शो है ही एक्चुअली, नो डाउट अबाउट इट। वो ऐसा प्लेटफॉर्म, बहुत फॉर्चुनेट नसीबदार था मैं कि मुझे ये, मैं इस शो का हिस्सा रहा हूँ। एंड ऐसा शो वापस, ऐसी टीम, ऐसे टैलेंट नहीं आएगी। बच्चन साहब को भी किया, बच्चन साहब ने मुझे किस किया था कब, जब वो भूतनाथ के लिए आए थे, तो उस वक्त इतना वो चल रहा था कि नहीं नहीं यहाँ ही पे हमारे सेट पे ही, जब ही कॉमेडी नाइट विद कपिल कलर्स पे थे तभी, तो इतना वो सारा चल रहा था कि डूज एंड डोंट्स, तो जितने डोंट्स थे उसमें सब दादी के लिए थे, तो ये था कि तो दादी आएगी ही नहीं बिल्कुल, तो टीम ने ये रखा कि लास्ट में दादी को लाते कि इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो लास्ट में है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकेंगे, ऐसे करेंगे। पर बच्चन साहब द ग्रेट, मतलब उन्होंने ही जो इतना लिफ्ट किया कैरेक्टर को मेरे, He is a legend यार। लेकिन आपको शिक्ष करने की आपने आमिर को नहीं किया? मुझे सीरियसली I love आमिर खान। अभी कमल हसन आए थे, another favorite actor of mine यार, he is a institution। तो बहुत मिस हुआ मुझे कि मैं शो में नहीं था,
क्योंकि कमला हसन सर आए थे उस वक्त भी जब मैं शो में था, तो सुनील गावस्कर सर आए थे और उस एपिसोड में मैं नहीं था, मेरी डेट नहीं थी उस दिन, तो वो भी मेरे लिए लेजेंड है। तो ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने मिस किया है। एक चीज जो मतलब मेरे को मालूम है बहुत मुश्किल है, जो हमेशा दिल के करीब है, वो कौन सा किस है? कौन सा किस है? किसके साथ वाला जो हमेशा मतलब क्यों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट किस है? अरे ऐसे तो सारे यू नो हमें हर बहुत मुश्किल है सर, वो बहुत मुश्किल है। सी सब वो सब जो है वो मेरे लिए फेवरेट है। भट्ट साहब को भी मैंने किस किया है, मतलब मैंने प्रकाश जी को भी किया, प्रकाश झा जी को भी किस किया है, आलोकनाथ सर को भी किया है। तो ऐसे ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं है। हाँ एक होता ना प्राइज्ड किस, विराट कोहली, उनको भी किया है। हाँ विराट कोहली को किस किया है, द प्राइज्ड किस, किस इज विराट कोहली डेफिनेटली। सलमान भाई उनको मैंने हाथ में किया मैंने, क्योंकि उनको वो मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो वो उतना मैं एक हमेशा दायरा रख के हम आगे जाते हैं, पर उनको जब भी हंसते हुए देखते हैं ना, हमारी वजह से हमारे शो पे आने के बाद ऐसे लगता है हमने बहुत कुछ पा लिया, क्योंकि वो आदमी दिल से हंसता है एंड वो लोगों के लिए करता भी इतना कुछ दिल से है। तो उनको हंसाने में ना बहुत सुकून मिलती है कि अरे यार इन्होंने इंजॉय किया आज। शुरू शुरू में किस करने में झिझक होती थी और फिर कब? सर ये किस वाला ट्रैक था नहीं है शो में, ये एक आध बार कहीं से हो गया। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है सुनील शेट्टी सर को मैंने किया और वो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो वो मेरे मुँह से निकल गया कि ये शगुन की पप्पी है, अब देखना तेरी फिल्म सुपर डी, वहाँ से ये चल पड़ा ये मामला। तो ये था नहीं कि किस करेंगे ये, फिर वो दादी की पप्पी होते गई और इसमें बहुत बड़ा हाथ सिद्धू पाजी का भी था, ओ किस कर दादी, किस कर दादी, किस कर, वो लिफ्ट कर देते थे पूरे माहौल को। तो अब मैं देखता हूँ झिझक नहीं है, आप यहाँ जितने लोगों से गले मिल रहे थे या तो वो आपको किस कर रहे थे या तो आप कर रहे थे। अरे ये सब तो मेरे सीनियर्स है यार, मतलब ये सब मेरे पहले शो में, अवतार जी, अंजन सर, राकेश जी, ये सब के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ। मतलब मेरी ओपनिंग इनके साथ हुई है, तो मैं इनको देखता हूँ। तो मैं जितना पुराना इंडस्ट्री में हूँ, मुझे आज ऑलमोस्ट 38 इयर्स हो गया है, तो मेरा इनके साथ 38 इयर्स का रिलेशन है। तो इतना तो मेरे लिए बहुत अनमोल रतन है। 38 सालों में ये जो बीते 5 साल हैं, इनको आप कैसे देखते हैं, बदलाव को भी कैसे देखें, क्योंकि आप मतलब 40 साल बात करते हैं। सर बदलाव होता रहेगा, दौर बदलते जाएंगे, मीडियम्स बदलते जाएंगे, आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा सब कुछ, द शो विल गो ऑन। उसमें सबसे लंबा ब्रेक या एक अपने आप को चेंज, इमेज को चेंज करने का वो सबसे लंबा था ये बीच में और भी मैं बीच में भी था, एक बार आया था जब मैं काफ़ी लंबा गैप लिया था, फिर वो जिनी जूजू शो स्टार्ट हुआ था उसके इसके लिए, वो मैं लेता रहता हूँ बीच में, जब जब ऐसा थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस रहता है, ऑडियंस को भी तो थोड़ा गैप मिले उसको, उनको भी एक है ना, ऐसा ना हो। अच्छा मेरे लिए ना काम करना, मुझे सिर्फ काम करना है, इसीलिए मैं कुछ भी काम करूँ ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ। तो अब ऐसा है कि एक बहुत सारे किरदार कर चुके तो फिर से उसे रिपीट करने का मतलब नहीं है। तो अब वेट, आई कैन वेट फॉर सम गुड कैरेक्टर्स। जब भी वेट किया है आपका करियर बूम हुआ है ऐसा है? सर ये कुदरत है, इसमें मेरा कोई मेरा वो नहीं है, ये गॉड इज काइंड, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे आई एम वेरी फॉर्चुनेट सर कि लोग मुझे प्यार देते रहे, मुझे उनका प्यार मिलता रहा, उन्होंने हर किरदार में एक्सेप्ट किया है। सो गॉड इज काइंड सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसमें मेरा कुछ वो नहीं है। सर मुझे ना हमेशा से ब्रह्मचारी में, जैसे शम्मी जी ने काम किया का कैरेक्टर था, कुंवारा बाप में महमूद साहब का कैरेक्टर था, ये करना था मुझे। ऐसे आनंद में राजेश खन्ना वाला कैरेक्टर था, ऐसे कैरेक्टर हम मैं वो मेरे पास कलेक्शन भी सारे ब्लैक एंड वाइट फिल्म के DVDs या जो भी
है, मैं ये सब फिल्मों पे बड़ा हुआ हूँ, ये आजकल की फिल्मों पे नहीं है। तो मैं थोड़े से ऑथर बैक्ड कैरेक्टर्स जो है अभी कोशिश बायोपिक किसकी करना चाहेंगे? बायोपिक बायोपिक तो पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में ऑनेस्टली कि ये बायोपिक करना है ये वो अरे सर अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अरे बहुत बाकी है सर, अभी तो बहुत बाकी है सर। थैंक यू बट थैंक यू सो मच।